मैंने 5 किलो आम लिया है, इसको मैंने काट के 2 दिन सुखाया है, इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल के, ये देखिए नमक और हल्दी इसमें भी सुखा लिया। सुखाने के बाद इसमें मैंने 1 किलो राई पीली वाली, 100 ग्राम काली वाली, 200 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मगरायल और 1.5 किलो नमक और जीरा, 150 ग्राम, 100 ग्राम मेथी और एक ये लहसुन आधा किलो मिलाया मैंने कूट के। सारा मसाला हमको कूट लेना है खलबट्टे में, और बहुत ही दानेदार रखना है, ये दानेदार है। और इसको किसी बड़े बर्तन में अपने आम की कलियों को पलट के उसी में इसको मसाला जो मैंने बनाया था पीसा था उसको हल्का भूनना है, भूनने के बाद उसे पीसना है, पीसने के बाद उसको इस तरीके से मेरे देखिए इस तरीके से आपको मिलाना है दोस्तों। ये मिल जाएगा जब, उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बहुत हल्का हल्का तेल डाल के छिड़काव करेंगे हम तेल का, और छिड़काव के बाद इसको मिक्स करेंगे, उससे क्या रहेगा कि मसाला इसमें चिपक जाएगा। मसाला सिर्फ चिपकाना है और इसको खूब दबा दबा के फिर हमें किसी कंटेनर में करके रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि 2-3 दिन बाद जब इसमें हवा धूप खूब अच्छे से लग जाएगी तब इसको खूब 1 किलो के लगभग इसमें सरसों का तेल गरम करके और आप इसमें छोड़ दीजिएगा, और इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दीजिएगा ऊपर से। आपका अचार एकदम हरा और ऐसे लगेगा जैसे अभी बना हुआ आपका अचार बनता है, और उसकी खुशबू आके इसको टेस्ट करके फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको अचार बनाने की विधि अच्छी लगी कि नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा आप लोगों को फिर से रिपीट करूँगी। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। बंद।